हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इससे जो पहले की वीडियो थी, हमने उसमें आईआईटी जेम 2016 के मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन का पेपर, जो 2016 का क्वेश्चन पेपर था, उसके कुछ सॉल्यूशंस पढ़े थे। अब क्वेश्चन नंबर 28 में हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास, द नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम अ साइकिल ग्रुप Z4 टू अ साइकिल ग्रुप Z7 इज 7, 3, 2 एंड 1। ये हमारे पास ऑप्शन है। आंसर है, इन जनरल द नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Zm टू Zn इज GCD ऑफ Mn, यानी m और n का जो GCD होगा वो होगा। तो यहाँ 4 और 7 के बीच में हमारे पास पूछा है, तो इसका GCD क्या होगा? 1 होगा। तो नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म क्या हो गया हमारे पास? 1 इसका करेक्ट आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास, इन अ परम्यूटेशन ग्रुप Sn, n ग्रेटर देन इक्वल टू 5, इफ H इज द स्मॉलेस्ट सब ग्रुप कंटेन द कंटेन ऑल द थ्री साइकिल्स ऑल दी थ्री साइकिल्स देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ऑर्डर ऑफ एच इज टू, ऑर्डर इंडेक्स ऑफ एच इज Sn इज टू, और आगे ऑप्शन है हमारे पास, एच इज आबेलियन एंड एच इक्वल टू Sn। इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्यूशन है एच इज सब ग्रुप ऑफ Sn दिया हुआ है हमारे पास, इसलिए एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ Sn होगा, क्योंकि सब ग्रुप है तो इसे नॉर्मल सब ग्रुप भी होगा। वी नो दैट इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप इज टू इन नॉर्मल, इसी नॉर्मल में जो इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप होती है वो 2 होती है, हेंस इंडेक्स ऑफ एच इज Sn इन 2। ये हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 आता है हमारे पास, लेट एफ आर टू आर वी डिफाइन एज एफ एक्स बराबर डिफाइन है एक्स 1 प्लस एक्स पावर एल्फा साइन लॉग एक्स स्क्वायर, जहाँ पे एक्स नॉट इक्वल टू 0, अगर 0 होगा, अगर एक्स इक्वल टू 0 देन एट एक्स इक्वल टू 0 द फंक्शन एफ इज, इसके लिए पूछा है कंटिन्यूस और डिफरेंशियबल पे चेक करना है एल्फा इक्वल टू 0 है या नहीं। कंटिन्यूस डिफरेंशियबल व्हेन एल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल व्हेन -1 लेस देन एल्फा लेस देन 0, और कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल व्हेन -1 लेस एल्फा लेस 0। इसके पास ये हमारे ऑप्शन है फ्रेंड्स। अब इसके सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन है हमारे पास, गिवन एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर एल्फा साइन लॉग एक्स स्क्वायर इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ एक्स इक्वल टू 0 फॉर कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0। कंटिन्यूटी चेक के लिए चेक करते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स बराबर लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच, तो ये हो गया लिमिट एच टेंस टू 0 एफ माइनस एच, लिमिट माइनस एच जहाँ पुट किया तो एच की वैल्यू यहाँ पर पुट करने पर हमारे पास फ्रेंड्स ये 0 दे दिया। उसके बाद सिमिलरली हमने राइट हैंड लिमिट चेक की, तो राइट हैंड लिमिट भी हमारे पास इसी तरह से 0 आ चुकी है। अब एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0 एफ 0 इक्वल टू 0, यानी कि हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू 0 पे 0 है, तो ये हमारे हम कह सकते हैं कि जो एफ एक्स होगा वो कंटिन्यूस होगा, तो एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट 0 इक्वल टू 0। अब डिफरेंसिबिलिटी चेक करते हैं, डिफरेंसिबिलिटी चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड डिफरेंसिबिलिटी चेक करते हैं, तो उसका फॉर्मूला है लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच माइनस एफ 0 अपॉन माइनस एच। अब यहाँ पे हमने वैल्यू पुट किया, वैल्यू पुट करने के बाद इसको सॉल्व किया है, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आ गया 1 प्लस माइनस एच पावर एल्फा साइन लॉग एच स्क्वायर। अब यहाँ पे हम एच टेंस टू 0 पुट करेंगे तो फ्रेंड्स ये वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो आएगा वो 0 आ गया। अब राइट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं, सॉरी 1 आ गया। अब राइट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं, तो वो हमारे पास लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 अपॉन एच, और यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की तो वो भी हमारे पास 1 आ गया, तो दोनों हमारे पास 1 आ गए। तो सो एफ एक्स इज डिफरेंसिबल फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, सो एफ एक्स इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंसिबल फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एल्फा, एट फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एल्फा के लिए तो एट एक्स इक्वल टू 0 पर भी एक डिफरेंसिबल एंड कंटिन्यूस फंक्शन होगा। अब फिर क्वेश्चन नंबर 32-31 है, लेट Sn बी ए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर सेटिस्फाइंग 2Sn प्लस 1 इक्वल टू Sn स्क्वायर प्लस 3/4 एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जहाँ पर 1, इफ एल्फा एंड बीटा आर टू रूट ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3/4 इक्वल टू 0 एंड एल्फा लेस देन S1 लेस देन बीटा देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, और स्टेटमेंट हमारे पास Sn इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग Sn इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn बराबर एल्फा और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn बराबर बीटा। ये हमारे पास ऑप्शन है हमारे पास।
अब सॉल्यूशन देखते हैं, गिवन दैट टू एस एन प्लस वन बराबर एस एन स्क्वायर प्लस थ्री बाई फोर, जो हमारे पास दिया हुआ है, एंड अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। तो हमें अल्फा बीटा इसके रूट है, तो ये हमने इसके रूट निकाले, जो इक्वेशन हमारे पास दी हुई थी, इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री बाई फोर, यहाँ से हमने इसके रूट निकाले हैं, तो x बराबर आ गया हमारे पास 1 बाई टू एंड 3 बाई टू। अब फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है अल्फा लेस देन एस वन लेस देन बीटा, यानी कि अल्फा की वैल्यू अल्फा बीटा से छोटा है, तो अल्फा हम क्या लेंगे 1 बाई टू, और इसको हम लेंगे बीटा को 3 बाई टू, अल्फा बराबर 1 बाई टू और बीटा बराबर 3 बाई टू ले लिया हमने। नाउ 1 बाई टू लेस देन एस वन लेस देन 3 बाई टू, यानी जो एस वन की वैल्यू है वो इसके बीच में लाइज कर रही है। अब फ्रेंड्स एस वन से यहाँ से हम एस वन का स्क्वायर निकालें, तो यहाँ से हम कह सकते हैं 1 बाई फोर लेस देन एस वन का स्क्वायर लेस देन 9 बाई फोर, यानी दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया है। अब दोनों तरफ माइनस 3 बाई फोर ऐड किया, तो माइनस 3 बाई फोर दोनों तरफ ऐड किया हमने, तो माइनस 3 बाई फोर ऐड किया, सॉरी फ्रेंड्स एस वन स्क्वायर बराबर क्या है हमारे पास, यहाँ से एस वन स्क्वायर बराबर निकाल सकते हैं हम, यहाँ इस थ्री बाई फोर को इधर ले जाए, तो इस यहाँ से हमने वैल्यू पुट की टू एस टू माइनस थ्री बाई फोर, तो ये वन बाई फोर लेस देन टू एस टू माइनस थ्री बाई फोर लेस देन एन बाई फोर, यहाँ से हमने क्या किया है दोनों तरफ फोर का मल्टीप्लाई कर दिया, तो वन लेस देन टू एस टू माइनस थ्री, तो ये माइनस थ्री लेस देन नाइन ये हो गया। यहाँ से हमने फिर एस टू की वैल्यू निकाली है, तो एस टू की वैल्यू हमारे पास निकालने पर हमारे पास क्या आ गया फ्रेंड्स, ये वन अपॉइंट टू लेस देन एस टू लेस देन थ्री बाई टू, यानी वन अपॉइंट टू लेस देन एस एन लेस देन थ्री बाई टू। सो एस एन इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, क्योंकि एस वन की वैल्यू जो है वो इन दोनों के बीच में कंपेयर कर रही है, जो एस एन की वैल्यू, सो एस एन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन टेंस एस एन बराबर वन बाई टू, क्योंकि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, तो ये लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन बराबर वन बाई टू आ जाएगा। अब फिर क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल माइनस वन टू माइनस पाई टू पाई मोड ऑफ एन कॉस एन डी एक्स एन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो इज आर, ऑप्शन है जीरो वैन एन इज इवन, जीरो वैन एन इज ऑड, माइनस फोर बाई एन स्क्वायर वैन एन इज इवन, माइनस फोर बाई एन स्क्वायर वैन एन इज ऑड। इसको हम सॉल्व करते हैं, लेट आई बराबर माइनस पाई टू पाई मोड ऑफ एक्स साइन कॉस एन एक्स डी एक्स, ये है हमारे पास। अब फ्रेंड्स इसको हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, माइनस पाई टू जीरो एंड पाई जीरो टू पाई, तो माइनस पाई टू जीरो होने पे ये जो एक्स की वैल्यू होगी कुछ नेगेटिव आएगी, तो इस कंडीशन में हमें बाहर जो होगा वो साइन नेगेटिव हो जाएगा, माइनस पाई टू जीरो जो मोड है मोड को हटाएंगे तो हमें नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा, तो माइनस पाई टू जीरो कॉस एन एक्स डी एक्स। अब जीरो टू पाई के बीच में हमारे पास एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो हमें मोड को हटाने के लिए कोई नेगेटिव साइन नहीं लेने पड़ेगा, जीरो टू पाई एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। फ्रेंड्स यहाँ से हमने इसका इंटीग्रेशन किया है, तो क्या किया हमने एक्स को छोड़ के कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन किया है, कॉस एन एक्स अपॉन एन प्लस, उसके बाद हमने क्या किया है जो ए डॉट बी रूल होता है वो लगाया है। ए डॉट बी रूल क्या होता है फ्रेंड्स, ए डॉट बी ऑफ डी एक्स बराबर क्या होता है, जहाँ पे ए और बी दोनों एक्स से फंक्शन होता है, ये होता है हमारे पास ए को छोड़ के इंटीग्रेशन ऑफ बी एक्स बी ऑफ डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साथ में डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी ओवर डी एक्स ऑफ बी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सॉरी यहाँ पे ए एक्स आता है ए एक्स इंटीग्रेशन ऑफ वी एक्स ऑफ डी एक्स और कंप्लीट का डिफ्रेंशिएशन, ये जो फार्मूला होता है ये फ्रेंड्स ए डॉट बी का फार्मूला होता है। इस फार्मूले की हेल्प से हमने इसको सॉल्व किया है, तो इसको सॉल्व करने पे ये आ गया हमारे पास माइनस पाई टू जीरो और ये हो गया। इसी तरह से इस दूसरी तरफ भी हमने किया है, तो ये हो गया हमारे पास एक्स कॉस साइन एक्स अपॉन एन प्लस कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर जीरो टू पाई। तो यहाँ से हम फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं, हमने यहाँ पे वैल्यू पुट किए हैं, तो ये हो गया हमारे पास माइनस जीरो, यहाँ से जीरो पुट किया तो एक्स जीरो हो जाएगा, और फिर से हमने जीरो पुट किया यहाँ पे तो कॉस जीरो होता है हमारे पास वन, तो वन अपॉन एन सॉरी फ्रेंड एन स्क्वायर है, तो ये हमारे पास आ गया माइनस साइन बाहर ही था, तो माइनस जीरो अपॉन जीरो प्लस वन अपॉन एन स्क्वायर, यहाँ से फिर हमने वैल्यू पुट किए माइनस पाई की, तो ये हमारे पास जीरो आ जाएगा, उसके बाद ये आ जाएगा, क्योंकि कॉस नेगेटिव साइन को अपने अंदर ले लेता है, तो कॉस माइनस एन पाई एक्स एन पाई होगा वो कॉस एन पाई हो जाएगा, कॉस एन पाई अपन एन स्क्वायर प्लस, इस तरह से यहाँ पे वैल्यू पुट किया, वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो आया वो आ गया, हमारे पास टोटल सॉल्यूशन आ गया टू अपॉन एन स्क्वायर माइनस वन प्लस वन बाई माइनस वन की पावर एन,
अब यहाँ पे n अगर इवन है फ्रेंड्स, n इवन होगा तो ये पॉजिटिव होगा और ये जीरो हो जाएगा, तो n इज इवन तो जीरो। अगर ये n ऑड है तो ये नेगेटिव होगा, माइनस वन होगा तो ये माइनस टू हो जाएगा, तो माइनस टू को मल्टीप्लाई टू से होगा तो उस कंडीशन में ये फोर हो जाएगा, तो माइनस फोर अपॉन एन स्क्वायर इफ एन इज ऑड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आ गया जीरो इफ एन इज इवन एंड माइनस फोर अपॉन एन स्क्वायर अगर एन इज ऑड, तो ये हमारे पास इसके करेक्ट आंसर आ गए दो।